हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ बहुत ही पावरफुल स्विच फेजेस एंड मंत्रास की। अगर आप स्टूडेंट हैं, स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, या फिर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें कुछ बहुत ही पावरफुल मंत्रास एंड स्विच फेजेस हैं जो कि बहुत ही सिंपल हैं, बट ऑब्वियसली अगर आप जितना लग के उसे करोगे तो उतना ही जल्दी आपका सर आपको सर दिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट स्विच फेज की, जो कि स्पेशली है गुड मार्क्स को पाने के लिए। ये कोई भी यूज़ कर सकता है, कॉलेज वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं, अगर आप स्कूल में आप तब भी से यूज़ कर सकते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको शेयर कर रही हूँ तो आप प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये है ब्रिंग क्वालिफाइड मैजिक चार विक्ट्री सम हाउ। ठीक है, ब्रिंग क्वालिफाइड मैजिक चार विक्ट्री समहाउ। ये वो स्विच फेज है। आप अगर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप इसे यूज़ कर सकते हो। अगर आप किसी कॉलेज में हो, आप यू नो अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हो, आप इसे यूज़ कर सकते हो। स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, डेफिनेटली आप इसे यूज़ कर सकते हो। अगर आप में से कुछ लोग इस क्वेश्चन को करते हैं कि क्या हम यू नो किसी और के लिए कर सकते हैं, हम अपने किसी बच्चे के लिए कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हो। एक प्रॉक्सी चैंटिंग होता है बेसिकली, इसमें हम अगले पर्सन को अपने माइंड में रख के उसके लिए मंत्र चैंट करते हैं, इसको हम प्रॉक्सी चैंटिंग कर सकते हैं। या फिर आप किसी और के लिए कर रहे हो, आप एक और काम कर सकते हो, इसको पानी में पढ़ के, पानी में चैंट करके आप उस पर्सन को पिला सकते हो। तो हम किसी और के लिए भी इसे इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट बहुत ही पावरफुल, बहुत ही इजी स्विच फेज की। ये बेसिकली आपके कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इन एजुकेशन या पढ़ाई के टाइम पे। तो ये आपको बैलेंस करने में, आपके कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। ये स्विच फेज कुछ ऐसे है, अटेंशन डीप विजडम जील नेक्स्ट कंटिन्यू, अटेंशन डीप विजडम जील नेक्स्ट कंटिन्यू। ये कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करने के लिए स्विच फेज है। अब बात कर लेते हैं मेमोरी को इंक्रीज करने के लिए एक मंत्रा। ये बहुत ही सिंपल मंत्रा है बट बहुत ही पावरफुल है। ये तीन शब्दों का मंत्रा है। ये बेसिकली आपकी मेमोरी पावर को इंक्रीज करने में, उसे स्ट्रांग बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है, एंड इट्स नॉट जस्ट कि इसे स्टूडेंट्स ही कर सकते हैं या बच्चे ही कर सकते हैं, इसे कोई भी कर सकता है। एंड कई बार काफी ऐसे एडल्ट्स भी होते हैं जिनकी मेमोरी कमजोर होती जाती है टाइम के साथ में, तो आप भी इस मंत्रा को यूज कर सकते हैं। मंत्रा कुछ ऐसे है, एम ह्रीम नमः, एम ह्रीम नमः। बहुत छोटा है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है एंड कोई भी इसे यूज़ कर सकता है। यह आपके मेमोरी को इंक्रीज करने में, उसे स्ट्रांग बनाने में हेल्प करेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं आप इसे तब भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप यू नो अगर आप बड़े हैं, आपको यू नो मेमोरी लॉस का ऐसा कुछ फेस कर रहे हैं, टाइम के साथ आपकी जो मेमोरी है वो कम होती जा रही है, याददाश्त अभी कम होती जा रही है, आप इस मंत्रा को यूज़ कर सकते हैं, ये आपको हेल्प करेगा। अब बात कर लेते हैं कि इन्हें करना कैसे है। सबसे पहली चीज़, सबसे पहला पावरफुल तरीका तो यही है, चैंट करना। जितना आप इसे चैंट करेंगे उतनी ही जल्दी ये अपना सर दिखाएगा। तो डेली इन्हें चैंट करना है, 108 आप डेफिनेटली चैंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप एक और चीज़ कर सकते हैं, आप सिंपली इसको पानी में चैंट कीजिए या फिर पानी ग्लास को पकड़ के इसको चैंट कीजिए, इसके बाद इसे कंज्यूम कर लीजिए। ये ऑब्वियसली वाटर टेक्निक है बट ये बहुत ही ईजी एंड बहुत ही पावरफुल है। आप चाहें जो स्विच वर्ड्स या स्विच फ्रेजेस मैंने शेयर करे हैं आप उसको अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पर लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर आप एक और चीज़ कर सकते हैं, रिकॉर्ड करके भी आप डेली सुन सकते हैं। बट हाँ, चैंटिंग मैं ज़्यादा रिकमेंड करूँगी। अगर आप रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्डिंग के साथ साथ चैंट करते हैं, उसका एक अलग ही इम्पैक्ट होता है। तो आप ये चीज़ कर सकते हैं डेफिनेटली। एक और चीज़ कर सकते हैं, स्विच फेजेस को यू नो अपने एक पेपर पे लिख लिया, उसको अपने पिलो के नीचे रख दीजिए या फिर उस पेपर को अपने पास रखिए, ये आपको हमेशा हेल्प करेगा। इन शॉर्ट आप इसे अपने ऑरा में रखिए। आप चाहे तो उसको अपना वॉलपेपर बना सकते हैं, तो आप बहुत तरीकों से नहीं यूज़ कर सकते हैं, तो ये बहुत ही पावरफुल है। सेम गोज विद दिस पर्टिकुलर मंत्रा, आप सिंपली चैंट कर सकते हैं या फिर आप इसे रिकॉर्ड करके चैंट भी कीजिए एंड इसको यू नो सुनिए भी, ऑब्वियसली बहुत इफेक्टिव रहेगा। आप इसे पानी में बोल सकते हैं, पानी में बोल के पानी को चार्ज कर लीजिए, इसको फिर कंज्यूम कर लीजिए। तो सेम चीज़ आप मंत्रास के साथ भी कर सकते हैं। तो जितना आप इसको चैंट करेंगे, इसको अपने पास अपने ऑरा में रखेंगे, ये आपके लिए काम करेंगे। अगर आपका सवाल कुछ ऐसा है कि हम क्या दिन में दो मंत्रास को चैंट कर सकते हैं, आप डेफिनेटली कर सकते हो। सपोज करें आपने सुबह कोई एक मंत्रा ले लिया, शाम को आप कोई और स्विच वर्ड चैंट कर रहे हो, आप डेफिनेटली कर सकते हो। आप डेफिनेट टाइम निकाल के आप ऐसे कर सकते हो। आप ऐसे दिन में तीन बार भी कर सकते हो, सुबह आपने अलग किया, दोपहर आपने अलग किया एंड शाम को आपने अलग किया। बट वही है, अगर आप इतना टाइम निकाल सकते हो देन इट्स वेरी गुड, अदरवाइज आप यू नो दो के साथ भी काम कर सकते हो। तो आप ये चीज़ डेफिनेटली कर सकते हो एंड ये बहुत ही सुपर ईजी एंड बहुत ही पावरफुल मेथड्स होते हैं, स्पेशली मंत्रास एक्चुअली में काम करते हैं।
तो ये थे आज के कुछ स्विच फेजेस एंड मंत्रास। तो यह आज के इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू एंड बाय।